हेलो जी नमस्कार सलाम सत श्रीकाल विश यू ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम कैसे हैं जी आप सब लोग ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियाँ मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करता हुआ यू मस्ट नो मतलब हर चैप्टर में से हम कुछ कुछ बेसिक बातें उठा रहे हैं कि भाई जो हर हाल में आपको पता होनी ही चाहिए बहुत से बच्चों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि सर एनिमल किंगडम याद करना बड़ा मुश्किल होता है एनिमल किंगडम में से कुछ मेन मेन बातें बता दीजिए जो हमें पता होनी ही चाहिए तो आज एनिमल किंगडम में हम जिक्र करते हैं फाइलम पोरीफेरा का याद कर लीजिएगा साथ के साथ जो बात है मैं आपको बता रहा पॉरीफेरा मीन पोर रेफ़रिंग टू पोर्स ऐसे जानवर जिनके शरीर के ऊपर छेद होते हैं और पोर्स जो है इनमें उसे ऑस्टिया कहते हैं राइट कॉमनली पॉरीफेर जो है इनको कहते हैं जी स्पॉन्जेस स्पॉन्ज का मतलब ये नहीं कि आप हाथ में पकड़ेंगे तो बड़े नाजुक है एकदम सॉफ्ट है जैसे घर में गद्दे जो होते हैं मेट्रसेज उनमें जो, उन जो स्पॉन्ज भरी होती है ये वैसे होंगे नहीं ऐसे नहीं है राइट जी स्पॉन्जेस इसलिए कहते हैं बिकॉज एक तरह से देखने में बिल्कुल खोखले लगते हैं ये ओके सो so, स्केलेटन में भी होता है देर इज स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स छोटे छोटे नीडल लाइक -like स्ट्रक्चर्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के या सिलिका के बने हुए स्पॉन्जिन फाइबर्स भी होते हैं तो चलो पॉरीफेरा की बात करते हैं जी पॉरीफेरा फाइलम में आती है स्पॉन्जेस और स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस कॉल्ड पैराजुआलॉजी पैराजुआ ग्रुप में भी रखा जाता है स्पॉन्जेस को पैराजुआ मीन्स साइड एनिमल्स स्पॉन्जेस आर ऑन अ ब्लाइंड ब्रांच ऑफ इवोल्यूशनरी ट्री ऐसा माना जाता है कि भाई स्पॉन्जेस से कोई आगे के हायर फाइलम नहीं बने हैं इवोल्यूशन के कोर्स में ये अलग थलग भटक गए हैं दे आर ऑन अ ब्लाइंड ब्रांच ऑफ इवोल्यूशनरी ट्री स्पॉन्जेस खुद इवॉल्व हुए हैं प्रोटोजोन्स से कोलोनियल कोजलेट्स जो कि प्रोटोजोन्स हैं उनसे स्पॉन्जेस बने हैं स्पॉन्जेस में कोएनोसाइट नाम के सेल्स पाए जाते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कोलर्ड फ्लैजलेटेड सेल्स भी कहा जाता है इन्हें इनके पास कॉलर है इनके पास फ्लैजला है स्पॉन्जेस की जो बॉडी कैविटी है ना स्पॉन्जोसील कहते हैं उसे या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं सो लगातार स्पॉन्जेस के शरीर में पानी का बहाव बना रहता है तो ये जो कोनोसाइट का फ्लैजला होता है ना यही पानी का बहाव बना के रखता है इट मेंटेन्स द वॉटर करंट फ्लैजिला के जरिए वो फूड पार्टिकल्स को भी कैप्चर कर लेते हैं फ्लैजिला इवन स्पर्म को भी कैप्चर कर लेता है स्पॉन्जेस के इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताता हूं ऑल आर एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं पानी के बाहर नहीं होती स्पॉन्जेस मोस्टली दे आर मेरीन मेरीन मतलब समंदर के पानी में खारे पानी में पाई जाती हैं देर आर सम स्पॉन्जेस विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो स्पॉन्जिला जैसे कॉमन एग्जाम्पल है ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं नीट में कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एग्जाम्पल दीजिए तो एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला याद रहेगा जी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज सो स्पॉन्जेस दे आर फाउंड इन वाटर मोस्टली दे आर मैरीन बट देर आर सम स्पॉन्जेस विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल जो है डबल लेयर्ड है बाहर पिनेकोडर्म की लेयर है अंदर क्वेनोडर्म की लेयर है क्वेनोडर्म में क्वेनोसाइट्स होते हैं याद रखिएगा पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट्स होते हैं पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म लेयर के बीच में दोनों के बीच में जो है एक नॉन सेलुलर लेयर होती है दोल फॉर्म फ्रॉम एंड कोएनोडम आर अमीबोसाइट सेल्स, हैं। सेल्स है। cells, pinacos, uh, होते हैं है, जो स्केलेटन बनाते हैं और स्पॉन्जिस के पास टोटी सेल्स भी हैं आर्कियोसाइट्स जो किसी भी तरह का सेल बना सकते हैं स्पॉन्जेस में जो है द बॉडी इज जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स दे आर मल्टी सेलुलर बट टिश्यूज नहीं बने दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देर आर नो टिश्यूज टिश्यू जैसी चीज की शुरुआत फाइलम सीलेंट्रेटा या निडेरिया से हुई है ये याद रखिएगा स्पॉन्जेस में टिश्यूज नहीं होते राइट सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है देर आर नो सिस्टम्स नो डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी कोई सिस्टम नहीं है तो फिर गैस एक्सचेंज कैसे है बॉडी वॉल के जरिए नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल कैसे है बॉडी वॉल के जरिए अमोनिया रिमूव करते हैं अमोनोटेलिक कहा जाता है स्पॉन्जेस को ठीक है जी इनमें कोई अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है बस कैनाल सिस्टम जरूर होता है कैनाल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वीफेरस सिस्टम इट इज द लाइफ लाइन ऑफ स्पॉन्जेस कैनाल सिस्टम है क्या इट इज अस्टम ऑफ पोर्स चैम्बर्स एंड कैनाल्स इन दॉडी ऑफ अ स्पॉन्ज थ्रू विच वॉटर सर्कुलेट्स पानी का बहाव लगातार बना रहता है इनके शरीर में ऑस्ट्रिया के थ्रू पानी आया और उसके बाद स्पॉन्जो में गया ऑस्क्युलम से बाहर निकल गया सो so ये जो सिस्टम ऑफ पोर्स चैम्बर्स एंड कैनाल्स है इट फुलफिल्स ऑल द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पॉन्ज बॉडी स्पॉन्जेस की जितनी जरूरतें हैं वो इसी के जरिए पूरी होती हैं अगर स्पॉन्जेस में पानी का बहाव रोक दिया जाए तो स्पॉन्ज मर जाएगा ऑस्क्यूलम जो है ऊपर वाली ओपनिंग वहां से पानी बाहर निकलता है ऑस्ट्रिया से एंटर करेगा ऑस्क्यूलम से बाहर निकलेगा ऑस्क्यूलम से एंटर क्यों नहीं कर जाता

और फर्टिलाइजेशन के बाद जयगोड बना लार्वा भी बनता है दे हैव लार्वल स्टेजेस देर इज एम्फी ब्लास्टूला लारवा पेरन काम्यूला लार्वा रैगन लार्वा जहां पे लार्वल स्टेजेस पाई जाती है ना तो उन एनिमल्स को कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसमें तो ध्यान रखिएगा अगर डेवलपमेंट पूछा जाए स्पॉन्जेस में तो दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं एक्सटर्नल बडिंग इंटरनल बडिंग इंटरनल बर्ड्स को गेम्यूल्स कहा जाता है गेम्यूलेशन Are in fresh water as well as के टाइम बनते हैं गेम्यूल्स छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर टोटी पोटन सेल्स आर्कियोसाइट्स हैं और एक गेम्यूल स्पॉन्ज जो है वो पानी में रिलीज कर देता है बाहर कई किलोमीटर दूर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं जहां जहां जाके वो गेम्यूल गिरेंगे वहां पर नया स्पॉन्ज बन जाएगा राइट right? जी इसके अलावा रिडक्शन बॉडीज भी होती है स्पॉन्जेस में फ्रेगमेंटेशन भी होता है रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत एक्सीलेंट है स्पॉन्जेस में एक स्पॉन्ज के टुकड़े टुकड़े करके फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर दीजिए उसे फिर भी वो टुकड़े जो है स्पॉन्ज बना देंगे सो दे हैव एक्सीलेंट एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन डाइजेशन इंट्रासेलुलर है राइट जी पानी के जरिए फूड पार्टिकल्स अंदर आए माइक्रोफेगस हैं फाइटो प्लैंगटन जू वगैरह को खा जाएंगे कोएनोसाइट का फ्लैजला खाना पकड़ेगा पहले पार्शियली डाइजेस्ट करेगा फिर वो एक दूसरा सेल होता है ट्रोफोसाइट उसको पास ऑन कर देता है उसके बाद थीजोसाइट्स जो है रिजर्व फूड मटीरियल स्टोर करते हैं तो डाइजेशन इंट्रा है ये याद रखिएगा ठीक है जी जितनी मेन मेन बातें थी ना स्पॉन्जेस के बारे में मैंने आपको सारी बता दी हैं स्पॉन्जेस का फाइलम जो है पोरीफेरा तीन क्लासेस में डिवाइडेड है हालांकि क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी रफली बता देता हूं कैलकेरिया क्लास है Hexactan, है एंड डेमोस्पॉन्जिया स्केलेटन के आधार पर कई बार पूछ लेते हैं कि भाई पॉरीफेरा uh, का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन स्केलेटन कोई हड्डियों का बना नहीं है यहाँ पे बोन्स बोन्स नहीं है कुछ भी बिकॉज ये इनवर्टिट्स हैं नॉन कॉडिट्स हैं यह. ये यहाँ पे कैल्शियम uh, कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स हैं सिलिका के स्पिक्यूल्स हैं स्पॉन्जन फाइबर्स है जिसके आधार पर इनको जो है क्लासीफाई किया गया एग्जाम्पल्स हैं स्पॉन्जेस की बहुत सारी स्काइफा साइकॉन क्राउन स्पॉन्ज जिसे कहते हैं अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं स्पॉन्जिला विच इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हयालोनीमा ग्लास रोप स्पॉन्ज टेला फ्लावर बास्केट विच इज गिवन एज अ वेडिंग गिफ्ट इन जपैन बिकॉज इसके अंदर एक मेल एंड फीमेल जो श्रिम्स हैं वो एंटर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन बट उसी में क्लोज होकर रह जाते हैं एंड दिस प्रेजेंटेड टू न्यूली वेड कपल दैट टिल डेथ वी पीपल विल नॉट सेपरेट मरते दम तक हम साथ रहेंगे सो so, सिंबलाइज करता है ये सिर्फ यूप्लेक्टेला वीनसिस फ्लावर बास्केट राइट जी और भी कई सारी स्पॉन्जेस है देर इज ग्रांचिया ऑल्सो पर्स स्पॉन्ज है हिपो स्पॉन्जिया हॉर्स शू शेप स्पॉन्ज तो इतनी सारी स्पॉज के नाम तो आपको याद नहीं रखने जो एनसीआर में दिए हुए हैं ना मेन मेन नाम वही याद कर लेना तो जितना मैंने आपको बता दिया है और एनसीआर पढ़ लीजिएगा जो जो डायग्राम एनसीआर में दिए होंगे वो रेफर कर लेना इससे ज्यादा आपसे पॉरीफेरा फाइलम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा चलिए एक बात और बता दूं जो बच्चे मेरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की किताब खरीदना चाहते हैं लिंक नीचे दिया हुआ है आप वो बुक जो है परचेज कर सकते हैं अगर आप अपना रैंक और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं मैं आपको एक बार वो किताब भी दिखा देता हूं जी ये रही मेरे पास ही है वो किताब जनरली मैं अपने साथ ही रखता हूँ सो so, इसमें हर तरह के क्वेश्चन हैं जी मैच द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत बहुत ब्यूटिफुल है मेरा आ, अपना अनुभव छुपा है इस किताब में सो so, आप चाहें तो खरीद सकते हैं कोई कंपल्शन नहीं है जी खरीदने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप मुझसे जुड़ सकते हैं कैसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए इंस्टाग्राम के जरिए इसके अलावा व्हाट्सअप मैसेज भी आप मुझे कर सकते हैं चलिए जी आपकी नीट की तैयारी और बेहतर तरीके से हो मेरी तहे दिल से आपको ढेरों गुड विशेज हैं गॉड ब्लेस यू ऑल विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर पढ़ते रहिए खुश रहिए खुशियां बांटते रहिए वट एवर काइंड ऑफ एनर्जी यू गिव टू द यूनिवर्स द सेम एनर्जी कम्स बैक टू यू बाय बाय नमस्कार फिर मिलेंगे